हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट सेकंड, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। इसमें हमारा डिस्कशन आज रहेगा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। यदि हम अब तक बात करें तो हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डेफिनेशन, कंपोजिशन, रोल और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव टेस्ट बात कर चुके हैं। आज करेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। और इसी चैप्टर में आपका पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, और उसके बाद आपका जो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका यूनिट टू कंप्लीट हो जाएगा। आप में से चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। और जो पुराने वीडियो हैं हमारे, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में? बायोलॉजिकल वैल्यू इज अ मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब प्रोटीन फ्रॉम अ फूड। आपने जो फूड लिया है उससे कितना प्रोटीन बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उस प्रपोर्शन को हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। यदि हम बात करें तो प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो नाइट्रोजन का सोर्स है, क्योंकि अमीनो ग्रुप इसमें रहता है, तो मेजर सोर्स हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन का क्या हुआ, प्रोटीन। तो अब यदि हम बात करें तो क्या होगा, बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो अज्यूम्स प्रोटीन इज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मेजर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंजेस्टेड इन रिलेशन टू द अमाउंट विच आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड। ऐसा अज्यूम किया जाता है बायोलॉजिकल वैल्यू में कि जो प्रोटीन है वो केवल एकलौता सोर्स है हमारी बॉडी को नाइट्रोजन देने वाला। तो इसमें जो नाइट्रोजन आपको बॉडी में गया प्रोटीन के थ्रू और कितना एक्सक्रीट हुआ, इस रिलेशन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। यदि बायोलॉजिकल वैल्यू की डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल वैल्यू इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब नाइट्रोजन विच इज रिटेन इन द बॉडी। ये उस परसेंटेज के बारे में हम बात करते हैं जो आपकी बॉडी रिटेन करती है, बाकी जितना निकल जाता है फीसेस या यूरिन में उसको नहीं करते, जो आपके बॉडी में रिटेन हो गया उस परसेंटेज को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। अब यदि बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो दो सिमिलर स्केल पर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू को, या तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन पे या रिलेटिव यूटिलाइजेशन पे। जब परसेंटेज यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो जो आपका डाटा आएगा उसके एंड में परसेंट का सफिक्स हम लगा देंगे, और जो हमारा रिलेटिव आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें कोई यूनिट हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो एक नंबर रहेगा बायोलॉजिकल वैल्यू का। ठीक है, फिर हम एस्टिमेशन या डिटरमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके पास जो एनिमल है उसको पहले जो दो दिन है उसमें केवल प्रोटीन फ्री डाइट देना चाहिए। उसको आप दो दिन तक कोई प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपने जो एनिमल लिया जिसपे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको टेस्ट करने के पहले दो दिन तक कोई भी हम प्रोटीन नहीं देंगे। अब जब प्रोटीन नहीं देंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सब खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फीकल एंटू इज इमिटेड और ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ मेटाबोलिक फीकल एंटू, यानी कि हमको उसके फीसेस में हम नाइट्रोजन देखेंगे कि कितना नाइट्रोजन है, इससे हमको समझ में आएगा कि मेटाबोलिक फीकल नाइट्रोजन कितना हो गया। फिर हम जो आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि जो एनिमल है उसमें उसकी यूरिन में एस्टिमेशन करेंगे कि नाइट्रोजन कितना है। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगी, लेटर द एनिमल इज फीड विद द मेजर्ड अमाउंट ऑफ टेस्ट प्रोटीन। अब हम जो टेस्ट प्रोटीन है उसका मेजर्ड अमाउंट, जो भी हमारा एक फिक्स अमाउंट है उतना देंगे, और फिर उसका यूरिनरी और फीकल नाइट्रोजन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया हमको क्या रखना है, एक हम यदि बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल वैल्यू देख रहे हैं प्रोटीन की, तो क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, द टेस्ट ऑर्गेनिज्म मस्ट ओनली कंज्यूम द प्रोटीन और मिक्सचर ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट द टेस्ट डाइट, या आपकी टेस्ट डाइट है उसमें वो केवल प्रोटीन और प्रोटीन के प्रोडक्ट ही खाएगा। द टेस्ट डाइट मस्ट कंटेन नो नॉन प्रोटीन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जो आपकी टेस्ट डाइट हम उसको देंगे एनिमल को उसमें कोई दूसरा सोर्स नहीं होना चाहिए जिससे नाइट्रोजन बॉडी में जा सके। इसलिए हमको तभी तो पता चलेगा कि जो प्रोटीन एक्चुअल में दे रहा है उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। ठीक है, द टेस्ट डाइट मस्ट बी सुटेबल कंटेंट एंड क्वालिटी टू अवॉइड यूज ऑफ प्रोटीन प्राइमरी एज एन
एनर्जी सोर्स, हमको जो हमारा एनिमल है उसको एनर्जी सोर्स के लिए अलग से कोई प्रोटीन या हम देना ना पड़े, जो हमारा पास टेस्ट डाइट है वो भी सफिशियंट अमाउंट में उसमें प्रोटीन होना चाहिए। दिस कंडीशन मीन टू द टेस्ट आर टिपिकली कैरीड आउट ओवर द कोर्स ऑफ ओवर 1 वीक विथ स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल। आपको 1 वीक तक इसको करना पड़ेगा और क्या होगा, डाइट कंट्रोल आपको स्ट्रिक्ट रखना है। फास्टिंग पीरियड और टेस्टिंग हेल्प प्रोड्यूस कंसिस्टेंसी बिटवीन सब्जेक्ट। ठीक है, आपको फास्टिंग पीरियड और जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होगा, उसको आपको फिक्स रखना पड़ेगा, चेंज नहीं होना चाहिए जो आपके पास टेस्ट एनिमल है। अब बात करते हैं हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन का जो फार्मूला है, बायोलॉजिकल वैल्यू इक्वल टू एन आर अपॉन एन ए इंटू 100। यहां पर एन ए क्या है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, जो आपकी बॉडी ने एन ए नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की है वो है, और एन आर वो है जो आपकी नाइट्रोजन रिटेन हुई है। यदि दूसरे फार्मूले से हम बात करें, बायोलॉजिकल वैल्यू इज एन आई माइनस एन ई एफ माइनस एन ई यू अपॉन एन आई माइनस एन ई एफ इंटू 100। अब यहां पर एनआई की बात करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन इंटेक प्रोटीन ऑन द टेस्ट डाइट, जो प्रोटीन की टेस्ट डाइट है उसमें नाइट्रोजन का इंटेक हमने जो करा उसमें से हमने माइनस क्या करा, जो फीसेज में हमारा नाइट्रोजन निकला जो एनिमल के वो हमने इंटेक में से माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन ई यू क्या है, नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन में जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं NEU। ठीक है, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज यूटिलाइजेशन इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब रिलेटिव यूटिलाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टू टेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू आर कैरिड आउट ऑन द सेम पर्सन, वन विद द टेस्ट प्रोटीन सोर्स एंड वन विद द रेफरेंस प्रोटीन एक प्रोटीन। अब जब बायोलॉजिकल वैल्यू हम देख रहे हैं, रिलेटिव बायोलॉजिकल वैल्यू, इसमें क्या रहेगा कि हमें हमारे पास एक टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा और एक हमारे पास नोन अमाउंट रहेगा जैसे कि एक प्रोटीन। तो हम बायोलॉजिकल वैल्यू टेस्ट अपॉन एक प्रोटीन देंगे इनटू 100, यहां पर क्या हो गया, परसेंटेज जो बीवी टेस्ट है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट डाइट फॉर द दैट इंडिविजुअल, और उसी के लिए हम बात करेंगे जो प्रेफरेंस एग है उसको देंगे। तो ये हमारा रिलेटिव यूटिलाइजेशन हम इसमें देख लेंगे। अब फैक्टर दैट अफेक्ट बायोलॉजिकल वैल्यू, कौन से फैक्टर बायोलॉजिकल वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन सोर्स, जो प्रोटीन का सोर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीसीज, जिस स्पीसीज को हम, जिस एनिमल को हम दे रहे हैं, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन है एनिमल है जो भी है, वो उसकी क्या प्रॉपर्टी यानी कि वो क्या है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल कंज्यूमिंग द प्रोटीन, जो इंडिविजुअल आप देख रहे हो उसको कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों चीज में यदि बात करें हम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन सोर्स, अब प्रोटीन सोर्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, सपोज करो वो सोर्स जो है उसमें अमीनो एसिड का कंपोजिशन हमको देखना पड़ेगा। हमने 21 इसेंशियल अमीनो एसिड बात करी, कुछ हमारी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होती है। तो कोई ऐसा एनिमल है या कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है, तो या फिर जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें एल लाइसिन नहीं है या कुछ दूसरा अमीनो एसिड नहीं है, तो डिपेंड करेगा, यहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये किस पर डिपेंड हो गई, पहली चीज आपकी अमीनो एसिड का जो कंपोजिशन है। प्रिपरेशन, कभी कभी क्या होता है, कुकिंग कुकिंग के टाइम पे हम जो प्रोटीन बनाते हैं तो कभी कभी उसका डीनेचुरेशन हो सकता है, तो ये एक सिचुएशन है, तो यहां पर आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू अल्टर हो जाएगी। तीसरा, विटामिन एंड मिनरल कंटेंट, विटामिन एंड मिनरल कंटेंट की यदि हम बात करते हैं तो जब हम जनरली यीस्ट के थ्रू कोई सी चीज लेते हैं, कोई ऐसा प्रोटीन लेते हैं, तो वहां पर हमको एडिशनली विटामिन और मिनरल देना पड़ते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल की कमी होती है। तो ये आपका एक फैक्टर है जो बायोलॉजिकल वैल्यू को चेंज कर सकता है। दूसरा आपका जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्ट स्पेसिस, आपका जो टेस्ट स्पेसिस है जिसपे आप टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, भाई उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस टाइप का है, उसमें क्या चेंजेस है। ठीक है, डिफरेंस इन इसेंशियल अमीनो एसिड स्पेसिस टू स्पेसिस, अलग अलग लोगों में, अलग अलग स्पीसीज में जो है, डॉग केट और ह्यूमन और मेल फीमेल में तो लगभग यही सेम रहेगा, लेकिन हम एनिमल की बात कर लें, हॉर्स डोंकी जिस पर आप टेस्ट कर रहे हो, मंकी,
तो उनमें क्या रहेगा, इसेंशियल अमीनो एसिड चेंज हो सकते हैं, किसी में कोई रहेगा किसी में कोई रहेगा, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। डिफरेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, हर एक चीज जो है, मंकी, केट, लायन, इनमें क्या होता है, सबकी मेटाबॉलिज्म का सिस्टम अलग अलग है। फिर तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि जो स्पीसीज लिए उसकी एज डिफरेंस हो, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, वेट क्या है, फिर सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो केसेस है ये रह सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमिंग द प्रोटीन, डिफरेंस इन प्रोटीन इनटेक। अब भाई जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस हो गया, किसी ने ज्यादा ले लिया किसी ने कम ले लिया, वेराइटी का डिफरेंस हो गया, तो ये फैक्टर एक बायोलॉजिकल वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन रिटेन रहता है उसको हम बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं, और जितनी इनटेक करते हैं और जितनी रिटेन करते हैं उसके रेशो को बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फायदा क्या, इससे पता चलता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे कितने काम का है। ठीक है, तो रेफरेंस से यदि बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, डॉक्टर एन मुर्गेश, विकीपीडिया पे ये सब कुछ दिया है, मैं एन मुर्गेश से आप पढ़ सकते हो, और google.com। थैंक यू।